हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीता और आप सभी लोगों का स्वागत है रंजीता किचन में। आज मैं आप सबके साथ एक देसी उपाय शेयर करने जा रही हूं और ये बहुत ही लाभदायक औषधि है जिसके सेवन से आप कोल्ड कफ या गले की खराश को दूर कर सकते हैं और ये बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 50 ग्राम के लगभग पिपरी लिया हुआ है और ये हमारे आमतौर पे मसालों में पाया जाता है। ये बहुत ही लाभदायक मसाला है। तो चलिए इसको हम भून लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने गैस को ऑन करके तवे को गर्म कर लिया है। तो यहाँ पे हम पिपरी को डाल देते हैं और इसको हम 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी पिपरी अच्छे से भुन गई है। तो अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पिपरी ठंडी हो चुकी है और मैंने इसको एक मिक्सर के जार में डाल लिया है और इसका एक हम फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मिक्सर के जार में फाइन पाउडर तैयार कर लिया है इस तरह से। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसे आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा बनाया हुआ है तो मैंने मिक्सर के जार में पीस लिया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया से पीस चुका है और इस तरह से हम कंटेनर में एक भर के रख सकते हैं। तो इस तरह से इसको उपयोग कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया हुआ है तो इसको मैश कर लेंगे इस तरह से स्पून की हेल्प से। इसको अच्छे से इसको मैश कर लेना है। तो ये मिक्स कर लिया तो इसको अब हम, ये देखिए अभी हम 2 चम्मच पाउडर लेंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने मैश कर लिया अच्छे से तो अब छोटी छोटी हम इसकी गोली बना लेंगे। तो हमें थोड़ा सा ले लेना है इस तरह से और गदारी पर रख के इस तरह से हमें बना लेना है। अब इसको इस तरह से हम उंगली की मदद से बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए टाइप करके इस तरह से आसानी से आपके इस तरह से बन जाएंगे। फिर इसी तरह लेना है और इस पर थोड़ा सा रखेंगे हम और इसको इस तरह से दबाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से दबे जा रहे हैं और आसानी से बन जाएंगे। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उतना उतना सामान लेके आप बना सकते हैं। तो ये देखिए थम की मदद से ऐसे ऐसे दबा दीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल टैबलेट के आकार का बन गया है। तो शेप आप जो भी देना चाहें, चाहे आप इस तरह से बनाएं चाहे इस तरह से बना लीजिए, बहुत अच्छी लग रही है। तो बस इस तरह से ऐसे करना है और बन गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। जितना आपको बनाना है उतना आप बना लीजिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं एक तो, और दूसरी तरह से मैं एक और मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। देखिए मैंने 1 चम्मच ये शहद लिया हुआ है। तो अब हम इसमें, ये देखो मैंने पाउडर जो बनाया था वही पाउडर हमको इसमें मिक्स कर देना हाफ और इसको अच्छे से हमें मिला देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें मिला लेना है। ये देखिए अब हाथों की हेल्प से फिंगर की सहायता से इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखिए अब क्या करना है, अब इसको 1 चम्मच इस तरह से हमें चाट लेना है, मतलब कि खा लेना है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एक तरह से। एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। अगर पीना है तो आप गर्म पानी पीजिए, बहुत ही लाभदायक है और इस रेसिपी को आप यूज कर सकते हैं बेफिक्र होके, क्योंकि हम लोग इसको खुद यूज कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।